अजीज सामईन हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और हसीन वाकया लालची बाप की मजबूर बेटी पेश किया जा रहा है। आवाज दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश वाकया लालची बाप की मजबूर बेटी हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में आप लोग समाप्त फरमाएं। किस तरह एक तो बाप जो लालची था अपनी बेटी को एक जरदार यानी मालदार के साथ ब्याहना चाहता है, उसकी शादी उस बूढ़े से करना चाहता है, लेकिन उस बेटी ने किस तरह से उस बूढ़े से अपनी शादी नहीं होने दी, क्या तदबीर की, और फिर किस तरह से उसकी शादी एक शहजादे से होती है, ये पूरा ही वाकया आप तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। बड़ा दिलचस्प वाकया है। मेरी गुजारिश है कि आप इस वाकये को शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनिए और हमारे चैनल ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर भी मेरे वाकयात सुनेंगे। ये ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की बहुत हसीन पेशकश लालची बाप की मजबूर बेटी, मुलायजा कीजिएगा। फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्ता है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्ता है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बया है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्ता है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्ता है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्ता है दोस्तों। शहर में एक आदमी खुशहाल था, जरदार था, वो तिजारत कर रहा था, खूब कारोबार था, माल की कसरत थी लेकिन लालची था ये बशर, एक बेटी थी फकत घर में न था कोई पिसर, बीवी उसकी चल बसी बेटी को तनहा छोड़कर, बेटी के दम से फकत आबाद था ताजिर का घर, नाज से पलती रही लड़की जवानी आ गई, हुस्न उसका देख के दौरे फिजा शर्मा गई, बाप उसका लालची था मालो जर से प्यार था, एक पैसा खर्च करना भी उसे दुश्वार था, माल में उसके इजाफा वो यही चाहता था, वो अपनी दौलत के नशे में झूमता रहता था, वो एक दिन सोचा जवा अब मेरी बेटी हो गई, चैन मिल जाए मुझे जो इसकी शादी हो गई, ना ओ लालच की कभी आगे नहीं चलती जना,
जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब, डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब, डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। एक बूढ़ा आदमी देखा वो दौलतमंद था, हाँ मगर उस शख्स के घर आना जाना बंद था। शादी तय कर दी उसी से, अपनी बेटी से कहा, है अमीर एक आदमी अब शादी तू कर ले कहा। सुन के वो रोने लगी और याद माँ की आ गई, है वो बूढ़ा आदमी ये सोच के घबरा गई। याद करके अपनी माँ को अश्के गम रोती थी वो, जान सी उसकी निकलती थी दुखी होती थी वो। हाल दिल किसको सुनाए सुनने वाला था नहीं, माँ बहन भाई सहेली कोई भी उसका नहीं। कर दिया इनकार उसने बाप हुर्राने लगा, तंजिया लहजे में वो बेटी को समझाने लगा। शहर भर में शख्स वो सबसे बड़ा सरदार है, तेरी शादी उससे हो जाए वो बेड़ा पार है। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू, याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू, याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू, ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू, ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ज्यादती जब बढ़ गई बोली मुझे मंजूर है, शर्त मेरी कीजिए पूरी यही दस्तूर है। 100 अशर्फी दीजिए सोने की ऐ बाबा मुझे, एक शमादान ऐसा है सोने का बनवाना मुझे, जिसमें के 40 शम्मे जल पड़े एक साथ में। 100 अशर्फी बाप ने लाकर तभी दी हाथ में, लड़की ने जर कर बुलाया राज सब समझा दिया। खुफिया एक दरवाजा शम्मा दान में रखवा दिया। दोस्तों अब उसकी किस्मत का तमाशा देखना, किस तरह तकदीर बदले की करिश्मा देखना। वो शमा दाना गया तैयार होकर जल्दी ही, खूबसूरत था बहुत उस पर नजर जमती न थी। देखती ही रह गई क्या खूब थी कारीगरी, उसमें फिर 40 शम्मे दी जला उसने तभी। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर, बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर, बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर, खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर, खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर।
कपड़ा छोड़कर अपने जूते रख दिए। उसने कुएं की मेंढ पर दाना पानी लेके थोड़े रोज का कामिल हुई। खुफिया दरवाजे से शम्मा दान में दाखिल हुई। बाप घर आया नजर, बेटी उसे आई नहीं। हर तरफ ढूंढा मगर कोई खबर पाई नहीं। जूते जब देखे तो सोचा डूब कर वो मर गई। सर को अपने पीटता था, घर को सूना कर गई। जिक्र एक बूढ़े से शादी का जो मैं करता नहीं। अपनी बेटी के लिए रो रो के यूं मरता नहीं। इस बड़े घर में अकेला किस तरह रह पाऊंगा। गर हुकूमत ने खबर पाई तो मारा जाऊंगा। कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरी बेटी है वो। अपनी खाला के गई है, अब वहीं रहती है वो। बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी। बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी। बेच डाला वो शमादान उसने जरगर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। शीशे की अलमारी में जरगर ने उसे। कीमती था खूबसूरत, लोग तकते थे उसे। बादशाह का बेटा आया एक दिन बाजार में। उसने कुछ जेवर खरीदे, जोश था किरदार में। शादी उसकी होने वाली थी, बड़ा मसरूर था। फैसले से अपनी किस्मत के अभी कुछ दूर था। वो शमादान उसने देखा तो वो दिल को भा गया। तेरी कीमत उसने और लेकर उसे घर आ गया। अपने कमरे में सजा कर रख दिया वो शान से। शाहजादा प्यार करता था उसे दिल जान से। नाश्ता कमरे में लाकर खादिमों ने रख दिया। गुस्ल करने ख्वाबगाह से फिर वो शहजादा गया। लौट कर आया तो पूरा उस जगह खाना न था। आधा खाना मेज पर रखा था, शक उसको हुआ। खादिमों से वो ये बोला, किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला, किसने की जहमत कहो। खादिमों से वो ये बोला, किसने की जहमत कहो। आधा खाना किसने खाया, किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया, किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया, किसकी है हरकत सुनो। बोले वो खादिम यहाँ जिनका असर है आलिजा। खाना खा जाता है वो अपने हुनर से आलिजा। सुन के शहजादा ये बोला, ऐसा हो सकता नहीं।
अब से पहले तो कभी भी हमने कुछ देखा नहीं। एक मुद्दत तक यही होता रहा बस सुबह शाम, कोई आकर रोज ही खाता रहा आधा तो आम। एक दिन शहजादा सोया ही नहीं लेटा रहा, मेज पर खाना था रखा उसको वो तकता रहा। झट से दरवाजा वो शम्मा दान का फिर खुल गया, उसमें से आई निकल कर एक लड़की बाहया। आके कुर्सी पर वो बैठी आधा खाना खा लिया, हाथ पकड़ा उसका शहजा देने और कहने लगा, तुम परी हो या के दुनिया की कोई लड़की हो तुम, किस लिए छुप छुप के शम्मा दान में रहती हो तुम। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी, दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी, दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी, दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी, दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। बेहद हुआ दिल पर असर, उसने जेबा सुरमा दी आंखों का रोना देख कर। तीरे उल्फत चल गए छलनी हुआ उसका जिगर, बैठ कर बातें किया करता था उससे रात भर। उसकी शादी हो रही थी थोड़ी हैरानी भी थी, महल में वो होने वाली उसकी शहजादी भी थी। बात करते देख कर एक खादिमा ने ये कहा, माजरा सब उसने शहजादी से जाकर कह दिया। आपका शहजादा एक लड़की पे शैदा हो गया, अपनी आंखों से सभी देखा है मैंने माजरा। दिन में शम्मा दान के अंदर छुपी रहती है वो, रात होते ही निकल कर पास आ जाती है वो। एक दिन शहजादा निकला खेलने घर से शिकार, होने वाली उसकी शहजादी ने होकर बेकरार। वो शम्मा दान उसने मंगवा रोशन जरार, वो शमा दान उसने मंगवाया किया रोशन जरार, वो शमा दान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। सौदागर किया गई लड़की निकल कर अश्कुबार, सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कुबार, सौदागर की आ गई निकल कर अश्कबार। एकदम जलने लगी 40 शम्मे जिस घड़ी, तो तपिश से उसकी मुजतर हो गई लड़की। तभी सोचा उसने मर गई क्योंकि वो अब बेहोश थी, एक खंदक में उसे फिकवा दिया फिर बाखुशी। गिरते ही पानी में एकदम होश उसको आ गया, उसको देखा एक मछेरे ने तो वो घर
घबरा गया, जल्द पानी से निकाला और घर लाया उसे। हाल उस लड़की ने भी सब अपना बतलाया उसे। उस मछेरे ने कहा, तकदीर की हेटी हो तुम, गम न करना आज ही से बस मेरी बेटी हो तुम। अब सुनो शहजादा घर जिस वक्त आया लौट कर, जब शमादान उसने वो देखा तो रोया टूट कर। खोला दरवाजा तो देखा उसमें वो लड़की न थी, एक अंगूठी उसको दी थी वो अंगूठी भी न थी। खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो, खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो, खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो, उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो, उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। खबर तो बुलाया सब तबीबों को वहां पर जल्द कर, उनसे करवाया इलाज उसका न था कोई असर। बादशाह मलका तड़पते थे ये मंजर देख कर, खाना शहजादे को देते थे मगर खाता न था। हल्क से नीचे कोई लुकमा भी अब जाता न था। फिर वजीरे खास ने ऐलान ये करवा दिया, खाना सब लाए बना कर अपने घर से इस जगह। सब बना कर लाए खाना पर पसंद उसको न था। वो मछेरा भी गया मछली का लेकर शोरबा, जिस घड़ी आई महक तो सुख वो पीने लगा। लज्जतों से शोरबे की जख्म दिल सीने लगा। वो अंगूठी निकली प्याले में, कहा उसने जना, सच बताओ शोरबा किसने बनाया है जना। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे, उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे, उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे, हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे, हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। उसको फिर बुलवा लिया एजाज से शादी हुई, महल से बाहर तभी मक्कार शहजादी हुई। वारी किस्मत ठोकरे दर दर खिलाई इस कदर, बाप की जिद ने सुलाया बिस्तरे गमनाक पर। सब्र करती थी खुदा की रहमतों पर थी नजर, छट गया गम का अंधेरा आई खुशियों की सहर। जख्म देता है जमाने का यही दस्तूर है, बस वही होता है जो अल्लाह को मंजूर है। लाखों तदबीरें करो
अपनी तरफ से दोस्तों, वो कब किस्मत में जो लिखा हुआ है दोस्तों। तुम किसी का भी बुरा चाहना ना हर किस्म भूल कर, फानी दौलत के नशे में तुम न चलना फूल कर। रखो किस्मत पर यकीन, अल्लाह से डरते रहो, बिगड़ी बन जाएगी अच्छे काम तुम करते रहो। नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा। तो हवाए जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाए जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाए जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाए जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा।